नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सर्दी के मौसम में तिलापिया मछली कैसे पकड़ें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। इससे आप रोहू मछली भी पकड़ सकते हैं सर्दी के मौसम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमें दो ब्रेड लेना है दोस्तों, आप ये दो रसे भी ले सकते हैं। इनका हमें चूर बनाना है। ये सर्दी के मौसम में बहुत अच्छा काम करता है ये चारा दोस्तों, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमने इनका चूर बना लिया है। अब हम इसमें जो डालेंगे दोस्तों वो है मैदा। आधा कप इसमें हम मैदा डालेंगे। मैदा डालने के बाद हम इसमें जो डालेंगे वो है ज्वारी का आटा। आधा कप हम इसमें ज्वारी का आटा डालेंगे। अब हम इसमें जो डालेंगे वो है राइस पॉलिश, कोंडा बोलते हैं इसको, राइस ब्रेन पाउडर भी कहते हैं। ये तीनों एक ही चीज़ होता है, मैं आपको बार बार इसे बताता हूँ वीडियो में ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हम इसमें डालेंगे जो वो है शहद। आधा चम्मच हम इसमें शहद डालेंगे। शहद जितना पुराना होगा उतना ही काम बढ़िया होता है दोस्तों। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। आप थोड़ा सा हींग डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा, ये सिर्फ खुशबू के लिए होता है दोस्तों। अब हम इसमें डालेंगे जो पहले से अच्छी से मिक्स कर लें थोड़ा सा। अब हम इसमें डालेंगे अंडे का सफ़ेद वाला भाग, हमें पीला वाला नहीं चाहिए, अंडे का सफ़ेद वाला भाग हम इसमें डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिला दें दोस्तों। अब हम इसमें जो पानी डालेंगे ना दोस्तों, उसमें हम शुगर घोल लेंगे थोड़ा सा। पहले हम इसमें थोड़ा सा चीनी घोल लिए हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह गूंद लें दोस्तों। ये सर्दी के मौसम में बहुत बढ़िया काम करता है, इससे आप रोहू मछली का शिकार भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल तिलापिया मछली के लिए है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए एक से बढ़कर एक चारा लाते रहते हैं और मछली पकड़ने के एक से एक तरीके आपको बताते रहते हैं। इसको अच्छी तरह से गूंथ लें दोस्तों। देखिए चारा कितना अच्छा तैयार हुआ हमारा। और जो हमारा शेष बचा हुआ है नीचे, उसे हम दोस्तों चराई के रूप में प्रयोग करेंगे। चराई एक दिन पहले करना ज़रूरी है दोस्तों सर्दी के मौसम में, वरना शिकार करना बहुत मुश्किल है। ये जो हमारे पास बचा हुआ है, या आप इसे पहले भी रख सकते हैं थोड़ा सा पानी डालकर, इसे आप चराई के रूप में प्रयोग करें। धन्यवाद दोस्तों।